क्या सुख और दुख में सम कैसे रहे? बैठिए, हम मिडिल स्कूल में गए तो गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर विद्यालय था, तो बहन जी ने, बड़ी बहन जी ने, जो 15 साल मुझसे बड़ी होंगी, उन्होंने एक मातृभाषा में मंत्र सिखाया, एलपेन गेलपेन बटे बिलेलपेन आगमा पाइनो नित्या। ब्राह्मण घर का शरीर था उन दिनों, गरीब हो, गरीब हो, दीन हो, ये सब विधा नहीं थी। ब्राह्मण हो तब तुम्हारा धर्म है। मैं समझता हूँ 9वीं कक्षा में जाने पर हमने चप्पल पाँव में डाली होगी, उससे पहले चप्पल और जूते का नाम ही नहीं था, और ये नहीं होता था गरीब घर का। ब्राह्मण हो, तपस्वी होना तुम्हारा जीवन, अब ग्लानी पैदा कर दी जाती है। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता थी कि हम ब्राह्मण हैं, नंगे पाँव जाते थे। तो बहन ने एक मंत्र दिया, विद्यालय स्कूल जाते समय कहीं वर्षा हो जाए तो छाया, वृक्ष की छाया हो, किसी मकान की छाया मिल जाए, उधर दौड़ते भी रहना और मंत्र पढ़ना, एलपेन गेलपेन बटे बिलेलपेन, पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। और विद्यालय से जब घर की ओर आ रहे हो, वर्षा आ जाए तो छाते ना होने कारण घर की ओर दौड़ते रहो, कोई छायादार वृक्ष मिल जाए, किसी के भवन का कुछ हिस्सा मिल जाए तो अपने शरीर की रक्षा करो, नहीं तो मंत्र गाओ, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन। सुख का भोक्ता न बने, सुख को दृश्य बनाकर रखें, अपने ऊपर मोह न लें। मैं सुखी तो सुख दबा देगा, मैं दुखी तो दुख दबा देगा, या सुख या दुख, न सदा सुख न सदा दुख। सुख का साक्षी भी स्थिर है, दुख का साक्षी भी स्थिर है। सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है। मैं नित्य सुख स्वरूप हूँ, सुख आवे तो भी सुख रूप हूँ, दुख आवे तो भी सुख रूप हूँ। सुख का साक्षी हो, सुखी जब मान लेंगे तो दब जाएंगे। दुख कब दबाता है? जब व्यक्ति दुख का साक्षी ना होकर दुख को अपने ऊपर मर लेता है, मैं दुखी हूँ। साक्षी होकर रहें, फिर वो मंत्र जो भगवान ने दिया, आगमा पाविनो नित्या, मैं सदा हूँ, सुख कभी है कभी नहीं है, दुख कभी है कभी नहीं है, इस प्रकार से पहले दृष्टा बने, सुख दुख को अपने ऊपर न बढ़ें, बाद में सुख दुख को अनित्य समझ लें। सुख के बिना भी मैं हूँ, मेरे बिना सुख नहीं, दुख के बिना भी मैं हूँ, मेरे बिना दुख नहीं, सुख है तब भी मैं हूँ, दुख है तब भी मैं हूँ। यह जो आध्यात्मिक लोरी है, इसका उपयोग करके सुख दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त करें। दूसरी बात है, गाढ़ी नींद आती होगी, गाढ़ी नींद में क्या चमत्कार है कि दुख की पहुँच वहाँ नहीं है, सुख की पहुँच है। आनंद भुक मांडुक्य उपनिषद, गाढ़ी नींद में सुख ही प्राप्त है, दुख नहीं। अन्य जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं गाढ़ी नींद दुखा भाव है। वेदांत का कहना है पंचदशी, किसी कक्ष में कमरे में अंधकार ना हो तो मानना पड़ेगा कि यदि प्रकाश की विद्यमानता ना होती तो अंधकार का भाव ना होता। दुखा भाव तब तक संभव नहीं है जब तक सुखोपलब्धि न हो। तो गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच क्यों नहीं है? क्योंकि अहम की पहुंच नहीं है। श्रीमद् भागवत के 1वें स्कंद के अनुसार अहमिचप प्रसुप्ते, विज्ञानमय कोश अहम भी जब सो जाता है तब सुसुप्ति की प्राप्ति होती है। तो बुरा न मानना कोई मुल्ला जी, मियाँ की दौर मस्जिद तक एक कहावत है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दुख की गति, द्वंद्वों की गति अहमिति तक, जब अहम सो गया तो मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होगा। शीत उष्ण आदि जितने हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास द्वंद्व हैं, किसी द्वंद्व की गति गाढ़ी नींद में नहीं है, दुख की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। गाढ़ी नींद में जो अनुभूति होती है,
अहम भूमि से अतिक्रांत है वो, अहंग्रह के बिना ही अनुभूति होती है सुख और अज्ञान की। इस प्रकार से सुख भी दृश्य है, दुख भी दृश्य है, मैं तो नित्य सुख स्वरूप ही हूँ। वल्लभाचार्य इत्यादि महान भावों ने भी विचार किया, सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूम तत्सुखम, आत्मा सुख रूप है, ये दुख कहाँ से आ गया? सुख की प्राप्ति आत्मा की परंपरा से है, आत्म परंपरा में सुख है, अज्ञान की परंपरा में दुख है। आत्मा दुख का अधिष्ठान है, सुख का अधिष्ठान होता हुआ बिंब भी है। दुख का बिंब अज्ञान है और सुख का बिंब आत्मा है, तो सुख सुख स्वरूप आत्म तत्व है। तो आपने जो प्रश्न किया उसका अर्थ है, सुख को अपने ऊपर न मारे, मैं सुखी हूँ तो सुख भी पागल बना देगा, दुख को अपने ऊपर न मारे, मैं दुखी हूँ, सुख भी दृश्य है, दुख भी दृश्य है, सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है। इस लोरी का गान का तथ्य का अनुस्मरण करके सुख दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया।